सो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। सो दोस्तों हम बात करने वाले हैं कि दोस्तों आप भीम ऐप में अपना अकाउंट आप कैसे बनाएंगे। सो दोस्तों अगर अपने भीम एप्लीकेशन में अपना अकाउंट अगर आप अभी तक नहीं बनाया तो दोस्तों भीम ऐप में अपना अकाउंट आप कैसे बनाएंगे और भीम ऐप को आप कैसे यूज करेंगे, तो चलिए दोस्तों हम आपको यहाँ पे सब कुछ लाइव करके बताते हैं। सो दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले दोस्तों आपको अपने फोन में भीम यूप एप्लीकेशन को डाउनलोड करना। डाउनलोड करने के बाद में दोस्तों आपको इस तरीके से अपने फोन में भीम ऐप को ओपन करना। जैसे इस तरीके से ओपन कर लेंगे तो अब आपको यहाँ पे ओपन पे क्लिक करना। सो दोस्तों जैसे अपने भीम यूपी एप्लीकेशन को इस तरीके से ओपन करेंगे तो दोस्तों आपके फोन में इस तरीके से आपको जो भीम यूपी एप्लीकेशन है प्रॉपर इस तरीके से ओपन होकर के आ जाएगा। तो सबसे पहले दोस्तों आपको यहां पे क्या करना पड़ेगा, लैंग्वेज चूज करना पड़ेगा। दोस्तों आप किस लैंग्वेज में इस एप्लीकेशन का यूज करने वाले हैं तो लैंग्वेज चूज करना है। लैंग्वेज जैसे चूज कर लेंगे तो अब आपको यहां पे कुछ सेकंड तक वेट करना पड़ेगा, उसके बाद में दोस्तों इस तरीके से एक ऑप्शन ओपन होकर के आ जाएगा। तो अब आपको यहां पे दोस्तों आपको सभी टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट करने के बाद में अब आपको प्रोसीड पे क्लिक करना है। प्रोसीड पे जैसे क्लिक कर देंगे तो दोस्तों अब आपको परमिशंस को अलाउ कर देना। परमिशन जैसे अलाउ कर देंगे तो अब आपको यहां पे क्या करना पड़ेगा, अपना सिम कार्ड आपको चूज करना है। सिम कार्ड जैसे चूज कर लेंगे तो इस तरीके से दोस्तों आपको वेरिफिकेशन होगा। वेरिफिकेशन होने के बाद में दोस्तों अब आपके सामने अगला इंटरफेस ओपन होकर के आ जाएगा। तो दोस्तों आपको जो वेरिफिकेशन है तीन स्टेप में होगा। अगर दोस्तों आपके मोबाइल नंबर से अगर दोस्तों यहां पे अनलिमिटेड का रिचार्ज नहीं है तो दोस्तों आपके नंबर पर ओटीपी इस तरीके से नहीं आएगा। जब दोस्तों आपका जो ओटीपी इस तरीके से आ जाएगा तो यहां पर दोस्तों पासवर्ड डालने का ऑप्शन ओपन होकर के आ जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको अपना पासवर्ड पता है तो अपना पासवर्ड आप यहां पर डाल सकते हैं। अगर आपको पासवर्ड नहीं पता है तो दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, आपको फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करके दोस्तों अपने पासवर्ड को आप यहां से फॉरगेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, अपना पासवर्ड इस तरीके से हम डाल लेंगे। दोस्तों जैसे अपना पासवर्ड इस तरीके से हम डाल लेंगे तो यहाँ पे कुछ सेकंड तक वेट करना पड़ेगा, उसके बाद में दोस्तों मेरा यहाँ पे भीम यूपी एप्लीकेशन है, मेरा जो अकाउंट है सक्सेसफुली बन चुका है। अब आपको सिंपली दोस्तों क्या करना पड़ेगा, दोस्तों आपका भीम यूपी एप्लीकेशन में आपका जो अकाउंट है सक्सेसफुली बन जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर इस तरीके से ऑप्शन ओपन होकर के आ जाएगा। तो आपको प्रोफाइल पर क्लिक करना पड़ेगा। प्रोफाइल पर जैसे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर दोस्तों आपका यूपी आईडी हो जाएगा, आपका नंबर हो जाएगा और दोस्तों आपको यहाँ पे क्यूआर कोड मिलेगा। तो दोस्तों क्यूआर कोड से आप पैसा अपने बैंक अकाउंट में आप ले भी सकते हैं, एक्सेप्ट भी कर सकते हैं। और नीचे आएंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन है यहाँ पे बैंक अकाउंट, तो दोस्तों मेरा ऑलरेडी इसमें बैंक अकाउंट लिंक है। तो अगर अपने बैंक अकाउंट को अगर आप ऐड करना चाह रहे हैं तो आपको ऐड बैंक अकाउंट पे क्लिक करना। इस पर जैसा क्लिक कर देंगे तो इस तरीके से गोल गोल घूमेगा, उसके बाद में दोस्तों आपको अपने बैंक अकाउंट को आपको इसमें लिंक करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो मेरा ऑलरेडी बैंक इसमें लिंक है तो हम बैंक अकाउंट ऐड नहीं करेंगे। अगर दोस्तों अपने बैंक अकाउंट को ऐड करना चाह रहे हैं तो आपको यहाँ पे क्लिक करके अपने बैंक अकाउंट को ऐड कर सकते हैं, लिंक कर सकते हैं। चलिए दोस्तों हमेशा वैक आते हैं, वैक आने के बाद में हम फिर से यहाँ पे दोस्तों प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे। प्रोफाइल पर जैसे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे फिर से नीचे आएंगे तो यहाँ पे दोस्तों एक ऑप्शन होगा यहाँ पे यूपी लाइट बैलेंस का। तो दोस्तों अगर अपने यूपी लाइट को अगर आप इनेबल करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से अपने यूपी लाइट को इनेबल कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पे एक ऑप्शन और सो यहाँ पे लिंक रुपए क्रेडिट कार्ड ऑन विथ यूपीआई, मतलब दोस्तों अपने भीम यूपी एप्लीकेशन में अपने क्रेडिट कार्ड यूपीआई को आप लिंक कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। और नीचे जब आएंगे दोस्तों यहाँ पे एक ऑप्शन हो रहा है यहाँ पे लिंक यूपीआई क्रेडिट कार्ड विथ यूपीआई, मतलब दोस्तों अपने यहाँ पे क्रेडिट कार्ड को भी आप इसमें लिंक कर सकते हैं। और यहाँ पे दोस्तों आपको पे नीचे ट्रांजैक्शन हिस्ट्री मिल जाएगा कि दोस्तों आप यहाँ पे भीम यू एप्लीकेशन से आप कितना पेमेंट किए हैं, आपका पूरा ट्रांजैक्शन हिस्ट्री इस तरीके से मिल जाएगा। तो दोस्तों अब आपको यहाँ से वैक आना है। वैक आने के बाद में दोस्तों अब आपके होम स्क्रीन पर इस तरीके से ऑप्शन ओपन होकर के आ जाएगा। सबसे पहले दोस्तों आपके पे सेंड मनी का ऑप्शन होगा और यहाँ पे सेंड टू बैंक का ऑप्शन होगा और यहाँ पे इस तरीके से आपको क्यूआर कोड का भी ऑप्शन होगा। मतलब दोस्तों अपने क्यूआर कोड से अगर आप पैसा भेजना चाह रहे हैं दोस्तों अपने क्यूआर कोड के थ्रू भी आप पैसा भेज सकते हैं और यहाँ से अपने बैलेंस को भी चेक कर सकते हैं। हम इस पर क्लिक करेंगे, इस पर हम जैसे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे दोस्तों अपने बैंक का बैलेंस आप चेक कर सकते हैं। दोस्तों अपने जिस भी बैंक का बैलेंस चेक करना चाह रहे हैं अपने बैंक का, यहाँ पे दोस्तों यू पे आप इस तरीके से डालना। यू पे आप इन जैसे डाल देंगे तो अब आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना पड़ेगा, आपके बैंक में जितना भी बैलेंस होगा यहाँ पे बता देगा कि आपके बैंक में कितना बैलेंस है। अब आपको सिंपली यहाँ से वैक आना। वैक आने के बाद दोस्तों अब आपके सामने इस तरीके से आपका यू पे लाइट भी आपको मिल जाएगा और दोस्तों आपका यहाँ पे क्रेडिट कार्ड वाला भी ऑप्शन आपको इस तरीके से मिल जाएगा। सो दोस्तों इस तरीके से आप इस एप्लीकेशन का प्रॉपर यूज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।